निधि बेडरूम में बेड के पास औंधे मुंह पड़ी हुई थी। निधि को पड़ा देख तरुण उसे तुरंत उठाकर कार से अस्पताल की तरफ भागा। निधि को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराकर इलाज शुरू किया गया। लगभग एक घंटे बाद डॉक्टर माधव बाहर आए। माधव जो पेशे से एक डॉक्टर और वरुण का सच्चा दोस्त था। अरे बेपरवाही की भी हद होती है तरुण, भाभी का छठा महीना चल रहा है और तू उन्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़कर गया। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था, तू अपनी माँ को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता। आंसुओं से भरी शक्ल के साथ तरुण फूट फूट कर रोने लगा। बस बस अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अभी भाभी का ख्याल रखने की जरूरत है। माँ ने भी बहुत बार आने के लिए कहा मगर मैं मना ही करता रहा, मगर अब नहीं, मैं अब निधि को अकेली नहीं छोड़ूंगा। आज ही मैं और निधि गांव चले जाते हैं। वैसे भी माँ बता रही थी वहाँ भी कुछ ही दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है तरुण कि तुझे ऐसा ही करना चाहिए, तू भाभी को गाँव छोड़ा। इधर निधि को होश आते ही तरुण ने बताया कि हम लोग गांव चल रहे हैं। गांव का नाम लेते ही निधि चहक उठी। वो तो कब से कह रही थी कि गांव चलते हैं, लेकिन तरुण ही नहीं मान रहा था। वो शाम को ही चल पड़ा अपने पुश्तैनी गांव की ओर, काला डेरा। कार में बैठी निधि काला डेरा गांव का नाम सर्च करके यूट्यूब पे वीडियो देखने लगी। जी हाँ, सच सुना है आपने, इस भुतहा वीरान खंडर की किस्से पूरे राजस्थान में मशहूर हैं। और देखिए यहाँ की बहुत ही डरावनी और खौफनाक भुतहा हवेली। अरे बस भी करो निधि, ये क्या देख रही हो यूट्यूब पर, भूतिया वीरान खंडर? कुछ नहीं तरुण, इससे हमारा सफर आसानी से कट जाएगा। वैसे क्या तुम शैतान और जिन की बातों पर यकीन करते हो? शायद हाँ भी और ना भी। तरुण ने निधि के बात का जवाब दिया ही था कि अचानक उसके कार के सामने एक पागल सा दिखने वाला भिखारी आकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। तरुण अपनी कार से बाहर निकला। अरे ये क्या बदतमीजी है, अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अगर मैं सही वक्त पर ब्रेक नहीं मारता तो तुम गाड़ी के नीचे आ जाते। मैं पागल नहीं हूँ साहब, मगर लोग मुझे पागल समझते हैं। अंधेरा होने को है जनाब, वापस लौट जाओ, आज अमावस की काली रात है, आज की रात वो जिंदा हो जाती है जनाब। हे बकवास मत करो और रास्ते से हट जाओ, तुम वाकई पागल इंसान हो यार। अरे जनाब, मुझे जिन जिन लोगों ने पागल समझा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बात मानो और लौट जाओ, वरना तुम भी और लोगों की तरह मर जाओगे। मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर वो पागल भिखारी बेहद फुर्ती से वहाँ से चला गया और तरुण दोबारा गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगा। कैसा अजीब आदमी था, मैं तो उसे देखकर पूरी तरह से डर गई थी। हाँ निधि, उस भिखारी ने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। वो छोड़ो, अपना मूड ठीक करो। वैसे मैं कह रही थी कि क्या तुम इन शैतान और जिन की बातों पर यकीन करते हो या नहीं? अरे मैंने तुम्हें कहा तो था शायद हाँ और शायद नहीं, कुछ कह नहीं सकता। सच कहूँ तो मैंने इस बारे में कभी ज्यादा गौर नहीं किया। क्या हाँ हूँ हमेशा। लो वो आ गया गांव, वो देखो बोर्ड। अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला कि गांव कब आ गया। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। वरुण ने कार सीधे घर के बाहर जाके रोकी, अम्मी दरवाजे पर ही थी। दोनों ने जाकर अम्मी के पैर छुए। अम्मी ने कहा, क्या तरुण, हम पहले ही कह रहे थे आज बहू को लेकर इस वक्त औरतों को देख रेख की जरूरत होती है। और एक रहस्यमय मुस्कान निधि के उभरे पेट पर करते हुए उसे अंदर की ओर बुलाती है। माँ बाबूजी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं और आस पड़ोस में भी काफी खामोशी है। वो खेत की रखवाली के वास्ते गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर तरुण की अम्मी रसोई में चली गई। तरुण को पूरा घर भी पहले से बेहद अलग दिख रहा था, नया रंग रोगन, नया सोफा और नया टीवी। टीवी का होना तरुण को खटका क्योंकि उसके अम्मी अब्बू को ये सब पसंद नहीं था। तरुण ने अम्मी से पूछा, टीवी देखना कब से शुरू कर दिया माँ? अरे जमाने के साथ चलने लगे हैं, तूने जो पैसा भेजा था उसी से मंगवाया है ये, किशन के छोरे से। अरे वो भी तो शहर में काम करे है।
तरुण को कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद तरुण और निधि खाना खाकर सो गए। रात के 12 बज रहे थे। किसी ने तरुण निधि के कमरे का दरवाजा खोला। अचानक निधि को उसके पेट पर खुरदरा स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो लगा कि तरुण का हाथ होगा, लेकिन फिर हल्की सी चुभन महसूस हुई तो उसने आंखें खोली। सामने तरुण की अम्मी थी, लेकिन उनका आधा जिस्म जला हुआ था। हाथ पर जलने के बाद जैसे फोड़े निकल आए हो, वैसे हाथ हो गए थे। वो चीखी मगर उसकी आवाज नहीं निकली। भी बेहोश हो गई और इन सब से तरुण अब तक अनजान था। सुबह हो गई। तरुण उठा तो उसने देखा कि निधि अब तक सो रही थी। वो उसे उठाने लगा, लेकिन जैसे ही तरुण की माँ ने निधि को हाथ लगाया, निधि ने चीख के साथ उन्हें दूर कर दिया। दूर रहो। ये क्या बदतमीजी है? माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? ये आपकी अम्मी नहीं, कोई चुड़ैल है। रात को निधि की बात काटते हुए तरुण गुस्से में हाथ उठाने वाला ही होता है कि उसका फोन घनघनाया। बात करने के लिए तरुण गुस्से से बाहर निकल गया, लेकिन जब तरुण ने नंबर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। अरे माँ तो अंदर है, तो मोबाइल पर ये कौन है? तरुण ने फोन उठाया। बेटा अभी तक आई ही नहीं, कहाँ हो तुम दोनों? कहा था कि कल ही आ जाओगे और अभी तक नहीं आए। ये सुनते ही तरुण के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो कमरे की ओर भागा। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले जो औरत अम्मी के रूप में थी, वो अपने भयानक शक्ल में आ गई थी। लंबे लंबे नाखून और चमड़ी की जगह फोड़े जिनसे खून बह रहा था। रुक जाओ तुम वरना अच्छा नहीं होगा। हमसे क्या चाहती हो तुम? निधि उसकी गिरफ्त में थी। देखते देखते सारा घर खंडहर में तब्दील हो गया। दीवारों पर रंग रोगन की जगह दीमकों ने ले ली। फर्नीचर, लाइट्स वगैरह सब गायब हो गए। उसने अपने नुकीले पंजे निधि के पेट में गाड़ दिए और उसकी गर्दन को उखाड़ दिया और कुछ ही वक्त में उसका खून पीकर उसका मांस खाने लगी। तरुण के कुछ करने से पहले उसने वही हाल तरुण का किया और दिल दहलाने वाली चीखों के साथ सन्नाटा छा गया। अगले दिन उस खंडहर से थोड़ी दूर दो लाशें मिली, एक औरत और एक आदमी की। औरत का पेट फटा था और 6 महीने का भ्रूण गायब था, और ये शव थे निधि और तरुण के। शवों की शिनाख्त कर शव परिजनों को दे दिए गए। कोई सबूत नहीं छोड़ा। पिछले 6 महीने में 8वां सेम टू सेम केस, और थानेदार ने उस फाइल को 7 फाइलों के साथ रख दिया। और एक पागल सा भिखारी चिल्ला रहा था, अरे नहीं छोड़ेगी जनाब, वो वीरान हवेली की डायन है, किसी को नहीं छोड़ेगी, मरेंगे सब के सब।